एक बार की बात है, हरिपुर नाम का एक गांव था जहां पर आज भी बैलगाड़ी का उपयोग होता था। लोग गांव से शहर जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वहां पर शहर से आने जाने के लिए कोई और साधन नहीं होते थे, तो लोग बाग द्वारा एकमात्र बैलगाड़ी का ही उपयोग किया जाता था। तभी एक दिन सभी लोग देखते हैं कि गांव के चौराहे पर एक नई बैलगाड़ी चलाने वाली औरत आई हुई है। दिखने में बहुत सुंदर होती है, बड़ी बड़ी आँखें, गुलाबी होंठ और एकदम गोरा रंग होता है। उसे देखकर तो कुछ गांव वाले उस पर मोहित हो जाते हैं। तभी एक गांव वाला औरत के पास जाकर, क्या आप शहर तक जा रही हैं? हाँ जी, मैं शहर तक ही जा रही हूँ। तो मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ, मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ। कितने रुपए लोगी मुझे शहर तक छोड़ने के? जितने रुपए सभी देते हैं उतने ही रुपए आप भी दे देना। कितने देते हैं सब लोग? 50 रुपए। ठीक है, ये लो 50 रुपए। औरत उसे बिठा लेती है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी देखता है कि बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी उस आदमी को उस औरत के पैर दिख जाते हैं। हाय, ये औरत तो एक चुड़ैल है। अब क्या होगा मेरा? अब मैं इस औरत से कैसे बचूंगा? मेरी ही किस्मत फूटी थी जो इस बैलगाड़ी में बैठ गया। हे भगवान, रक्षा करो मेरी, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, आज आज बचा लो। मैं मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान। बचा लो प्रभु, बचा लो। औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बैलगाड़ी को हवा में उड़ाती हुई ले जाती है। तू मेरे से बच के कहाँ जाएगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। मैं इस गांव की किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगी, धीरे धीरे सबको मार डालूंगी। नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? नहीं, मैं तुझे मार के अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छा इंसानी मांस खाने को मिलेगा, आज तो मजा आ जाएगा। दूसरे दिन आदमी वहां खड़ा होके शहर जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। उस आदमी को चुड़ैल का पता नहीं होता है। तभी चुड़ैल उसे वहीं अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाती है। अरे वाह, आज फिर से एक नया शिकार, मजा आ जाएगा। चलो, आज इससे पहले कोई दूसरा बैलगाड़ी वाला यहाँ आ जाए और ये आदमी उस गाड़ी में बैठ जाए, इससे पहले मैं ही इसे अपने जाल में फंसा लेती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मुझे शहर जाना है। ठीक है, आ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगी। ठीक है। ऐसा कहते हुए वो उस आदमी को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लेती है। फिर कुछ दूर पहुँच कर वापस अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बैलगाड़ी को पहले की तरह हवा में उड़ाती हुई। ये क्या है? मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ने लगी? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पहले की तरह इस आदमी को भी मार देती हूँ। इसी तरह चुड़ैल जो भी आता है सबको मारती जाती है। ऐसा करके गांव के आदमी सब धीरे धीरे
कम होते जाते हैं। फिर गांव का एक आदमी इस सब का पता लगाता है कि गांव के आदमी आखिर कम कैसे होते जा रहे हैं। और सब पता करने के बाद वो आदमी गांव के बाकी लोगों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है। फिर गांव के आदमी डर के मारे कुछ दिनों तक शहर आना जाना बंद कर देते हैं। गांव का एक आदमी अपनी पत्नी से, अरे प्रीति सरा देखो तो घर में कितना राशन बचा हुआ है। केवल हफ्ते भर पहले का ही राशन बचा हुआ है, ऐसा कब तक रहेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। तभी एक आदमी कहता है, अरे ऐसे हम कितने दिन तक शहर नहीं जाएंगे, अपना काम नहीं करेंगे, वो चुड़ैल तो वहीं रहेगी, हमें चुड़ैल का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। तभी वो आदमी एक साधु बाबा के पास जाता है और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब उस बाबा को बताता है कि किस तरह हमारे गांव के लोग एक चुड़ैल द्वारा कम होते जा रहे हैं। यह तो बड़ी ही विचित्र समस्या है। हाँ बाबा, अब बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है। तुम चिंता ना करो वत्स, मैं अभी पता लगाता हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओम क्लीम ब्रीम जामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम क्लीम ब्रीम जामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम क्लीम ब्रीम जामुंडाय विच्चाय नमः स्वाहा। कुछ देर बाद आदमी, क्या हुआ बाबा जी, ये औरत चुड़ैल कैसे बनी और हम सब ने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये हम सबको परेशान कर रही है और गांव के लोगों को एक एक करके मारे जा रही है। रुको वत्स, रुको। और अपनी जादुई शक्ति से उस बैलगाड़ी वाली चुड़ैल का पता लगाता है और बताता है, ये चुड़ैल पहले एक औरत थी जो आप सभी की तरह ही एक दिन बैलगाड़ी से जा रही होती है, तभी तीन चार बदमाश इसकी लूटपाट करके और जबरदस्ती करके इसे वहीं उस बैलगाड़ी में ही आग लगा के मार देते हैं, तभी से ये औरत चुड़ैल बन जाती है और उन चार आदमियों को मारने के बाद उनसे बदला लेकर भी जब इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो ये फिर गांव के लोगों को भी परेशान करने लगती है, वह मारने लगती है। तो बाबा हमें क्या करना होगा जिससे उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिले और हम सभी गांव के लोगों के प्राण बच सकें? रुको वत्स, मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ओम भूर्भुवस्य भूताय नमः। ये सब करने के बाद साधु बाबा अपनी जादुई शक्तियों व अपने जादुई मंत्रों से एक कमंडल अपने पास प्रकट करते हैं। फिर उसी तरह अपनी जादुई शक्तियों से उस कमंडल में पानी प्रकट करते हैं और जपते हैं, ये ले बच्चा, ये जादुई पानी है, उस चुड़ैल पर तीन बार डालने पर चुड़ैल वहीं भस्म हो जाएगी और फिर कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करेगी। ठीक है बाबा जी, बाबा जी आपने तो हमारे प्राण ही बचा लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। दूसरे दिन वही आदमी अपनी हिम्मत करते हुए उसी जगह उसी चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और कमंडल को छिपाते हुए उस चुड़ैल की बैलगाड़ी में बैठ जाता है। और जैसे ही चुड़ैल बैलगाड़ी चलाने लगती है वो आदमी बड़ी ही चालाकी से बड़ी ही सावधानी से उस कमंडल में से चुड़ैल के ऊपर तीन बार जादुई पानी डाल देता है। मुझे क्या हो रहा है, ना 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 ना, मैं मर नहीं सकती। ओ करती हुई चुड़ैल आखिरकार वहीं पर भस्म हो जाती है और गांव के लोग पहले की तरह ही रहने लगते हैं।